नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। और इसी बीच आपको बड़ी खबर लखनऊ से बता देते हैं। लखनऊ से खबर, 6 आईएएस अफसरों का हुआ तबादला। लखनऊ से खबर, जहां पर 6 आईएएस अफसरों का तबादला हुआ। गौरव दयाल आयुक्त अयोध्या मंडल बनाए गए हैं। नवदीप रिड़वा आयुक्त अलीगढ़ मंडल बनाए गए। योगेश्वर राम मिश्रा आयुक्त बस्ती मंडल बनाए गए। मुदु कुमार स्वामी भी प्रभारी आयुक्त विंध्याचल मंडल बने। जगदीश प्रबंध निदेशक यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन बने। अखंड प्रताप सिंह विशेष सचिव गृह बनाए गए। नवदीप रिड़वा आयुक्त अलीगढ़ मंडल बनाए गए। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 6 आईएएस अफसरों का हुआ तबादला। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अवनीश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, क्या कुछ जानकारी है, 6 आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 आईएएसों का और तबादला किया है। और इसमें सबसे अहम अगर बात की जाए तो 4 ऐसे मंडल हैं जहां के कमिश्नरों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल किया गया। अगर सबसे पहला नाम लिया जाए तो गौरव दयाल का आता है, जो आयुक्त अलीगढ़ मंडल थे, उनको नई जिम्मेदारी दी गई है, उनको आयुक्त अयोध्या मंडल बनाया गया है। उसके बाद अगर नवदीप रिड़वा की बात करें तो उनको अलीगढ़ मंडल भेजा गया है। योगेश्वर राम मिश्रा के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है, उन्हें मिर्जापुर से आयुक्त बस्ती मंडल भेजा गया है। वहीं अगर डॉक्टर मुथुर स्वामी की बात करें तो उनको प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन से प्रभारी आयुक्त विंध्याचल मंडल भेजा गया। यानी 4 जो कमिश्नरेट है उसमें फेरबदल किया गया है। उसके बाद जो सबसे बड़ा फेरबदल है वो है जगदीश आईएएस हैं, जो अपर प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन थे, उनको अब प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन बनाया गया। यानी कहीं ना कहीं उनका प्रमोशन दिखाया गया है। वही अखंड प्रताप सिंह को विशेष सचिव गृह में नई जिम्मेदारी दी गई है। 6 आईएएसों का तबादला किया गया। इसमें खासतौर पर जो 4 कमिश्नरेट हैं उनमें जो बदलाव किया गया है वो सबसे अहम मायने रखते हैं कि उनके कार्य क्षेत्र बदलकर इस तरीके से संदेश दिया गया है कि जो अगर अवनीश क्यों किए गए हैं, इसको लेकर क्या कोई जानकारी है कि आखिर किन बेसिस पे, किन आधार पर ये तबादलों को किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही तय कर दिया था कि मेरिट के आधार पर ही किसी भी अफसर को तैनात दी जाएगी। अगर लापरवाह अफसर है तो उसको बेहतर तैनाती नहीं दी जाएगी। और इसी क्रम में देखा जा रहा है कि लगातार जब आईएएस और पीसीएसओ के तबादले हो रहे हैं तो उसमें जो मेरिट के आधार से बेहतर अफसर हैं उनको बेहतर तबादला दिया जा रहा है। अगर सबसे अहम बात करें 6 आईएएसओ में तो योगेश्वर राम मिश्रा का है, जो मिर्जापुर मंडल के आयुक्त है, अब उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, वो बस्ती के होंगे आयुक्त। तो साफ बात है कि इस तरीके से मेरिट के आधार से तैनाती देकर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है अपनी मंशा जाहिर कर दी है और साफ कहा है कि जो विकास की रफ्तार में सरकार के साथ चलेगा उसको अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नवदीप रिड़वा आयुक्त अलीगढ़ बनाए गए हैं। ये आईएएस अफसरों के बड़े तबादले हुए हैं जो आपको हम बता रहे हैं।